नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं राकेश शिवानी एसओ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था आपसे कि दशा अंतर दशा खत्म होने के बाद हम वैवाहिक जीवन के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट करेंगे कि वैवाहिक जीवन में कैसे देखते हैं कि सुखी वैवाहिक जीवन है या नहीं है, या जीवन साथी है तो बीमार है, या दो विवाह किसी के कुंडली में लिखे हुए हैं। तो ये सब बातें देखने के लिए आज हम एक नया वो स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले बहुत जरूरी है कि हमको ये जानना कि किसी भी भाव की स्टडी कैसे करते हैं। भाव की स्टडी करने के लिए, क्योंकि अगर एक भाव की स्टडी करना हम जान गए, एक भाव की स्टडी करने का एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, चाहे वो दूसरा भाव हो, चाहे वो सातवां भाव हो, चाहे वो पांचवा भाव हो, कोई सा भाव क्यों ना हो, आप कोई सा भाव लीजिए, सबका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसको देखने के लिए। अब वो देखने का प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें जैसे आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ स्लाइड के अंदर, आप देखिए कि सप्तम भाव का अगर आपने स्टडी करना है तो सबसे पहला काम आपका होता है कि आप ये देखिए कि सप्तम भाव में कौन सी राशि स्थित है। सप्तम भाव में कौन सी राशि स्थित है, यानी कि शुभ राशि है या अशुभ ग्रह की राशि है, सौम्य राशि है, क्रूर राशि है। सौम्य और क्रूर राशि को आप जानते हैं कि सम राशियां जितनी होती हैं वो सौम्य राशि होती है, जितनी विषम राशियां होती हैं वो क्रूर राशियां होती है। तो ये देखना भी बहुत आवश्यक होता है सप्तम भाव में पहले कौन सी राशि है, क्योंकि उसका फर्क भी जीवन साथी के ऊपर फर्क पड़ता है। फिर हमको ये देखना होता है कि सातवें भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, पाप ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रह बैठे हैं, गुरु है, शुक्र है या शनि है, राहु है, सूर्य है, मंगल है, कौन से ग्रह बैठे हैं, क्योंकि जैसे ग्रह बैठे होंगे वैसा ही असर सातवें भाव पे उनका होगा। तो जब भी सातवें भाव की स्टडी करना स्टार्ट करें तो पहले देखें कि सातवें भाव में कौन सी राशि है, उसको नोट कर लें। फिर ये देखें कि सातवें भाव में कौन सा ग्रह स्थित है, शुभ ग्रह स्थित है या पाप ग्रह स्थित है, वो भी उसमें नोट करने की आपको आवश्यकता है। फिर आप देखिए कि सप्तम भाव का जो स्वामी है, यानी सप्तम भाव का स्वामी जो भी सेवंथ भाव का लॉर्ड है, वो कहां गया है, उसका इंपॉर्टेंट होना, उसका देखना बहुत जरूरी है कि वो किस भाव में गया है, केंद्र में गया है, त्रिकोण में गया है, या 6, 8, 12 भाव में गया है, या किसके साथ वो बैठा है, किसके प्रभाव में है, अच्छे ग्रह के प्रभाव में है या बुरे ग्रह के प्रभाव में है, किसकी उसके ऊपर दृष्टि है, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि है या किसकी दृष्टि है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम कभी भी जब देखते हैं तो तीन चीज देखते हैं, भाव, भावेश, कारक, और इसके इसके सिवा जो इसमें आता है वो भाव भावेश कारक का मेन इसके अंदर रोल बन जाता है। तो भाव इसमें आपका देखने के लिए मैंने बता दिया कि इसमें आपको राशि देखनी है, कौन सा ग्रह बैठा है वो देखना है। फिर आपको भावेश देखना है कि सप्तम भाव का स्वामी कहाँ गया है, केंद्र में गया है, त्रिकोण में गया है, या 6, 8, 12 के भावों में गया है। अगर वो किसी के साथ बैठा है तो वो जिस ग्रह के साथ बैठा है वो ग्रह कैसा है, क्या वो कुंडली के लिए तात्कालिक शुभ है या वो कुंडली के लिए अशुभ ग्रह है, वो भी देखना बहुत आवश्यक होता है। वो ग्रह पे दृष्टि किसकी है सप्तम भाव के स्वामी पे, वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। फिर ये देखना होता है कि सप्तम भाव कहीं पाप कतरी योग में तो नहीं, यानी सप्तम भाव के दोनों ओर पाप ग्रह तो नहीं, ये भी चेक करना बहुत जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो हमने भाव चेक किया, भावेश चेक किया, अब आता है कारक। कारक इसमें दो होते हैं। अगर हम विवाह के लिए देख रहे हैं, अभी विवाह नहीं हुआ है, तो कारक चाहे वो फीमेल की कुंडली हो चाहे मेल की कुंडली हो, कारक हमेशा सूर्य शुक्र ही रहेगा। लेकिन यदि विवाह हो गया तो पत्नी की कुंडली में कारक गुरु होगा और पति की कुंडली में कारक शुक्र होगा। लेकिन अभी हम, चूंकि ये सीरीज हमारी है कि विवाह होना है, अभी हम उस चीज पे नहीं जा रहे हैं, तो हम ये लेके चलते हैं कि सप्तम भाव का जो स्थिर कारक है उसको हम देखें कि शुक्र कैसी पोजिशन में स्थित है, शुक्र त्रिकोण में है, शुक्र केंद्र में है, या शुक्र किस भाव में गया है, ये शुक्र के साथ जो ग्रह बैठे हैं वो कैसे हैं, उसके साथ जो युत ग्रह हैं वो
वो कैसे हैं, वो तात्कालिक शुभ ग्रह हैं या वो अशुभ ग्रह हैं, वो देखना भी बहुत जरूरी होता है, या कारक पे किस ग्रह की दृष्टि है। तो जिसकी जैसी जिससे दृष्टि होगी, अगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो अशुभता बढ़ेगी, शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो शुभता बढ़ेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हम देखें तो भाव देखें कि भाव कैसा है, भाव में कौन से ग्रह हैं, भाव में कौन सी राशि है। फिर भावेश देखें कि भावेश कहाँ गया है, केंद्र में गया है, त्रिकोण में गया है, या किस भाव ग्रहों के साथ युक्त है, किस ग्रहों से दृष्ट है। फिर कारक देखें कि कारक केंद्र में गया है या त्रिकोण में गया है, किन ग्रहों से दृष्ट है, किन ग्रहों से युक्त है। फिर देखें कि सातवां भाव भावकत्री पापकत्री योग में तो नहीं, तो पापकत्री योग में अगर है तो वो भी बहुत नुकसान करने वाला होता है। उसके बाद एक चीज होती है लग्नेश व सप्तमेश की स्थिति। लग्नेश व सप्तमेश की स्थिति क्या चीज है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुंडली में लग्नेश व सप्तमेश की स्थिति अच्छी नहीं है, यानी लग्नेश और सप्तमेश, लग्नेश से सप्तमेश कहां बैठा है वो, और सप्तमेश से लग्नेश कहां पर है वो आपको देखना है। यानी वो एक्सिस 1-7 का है, 2-12 का है, 3-11 का है, 4-10 का है, 5-9 का है, या 6-8 का एक्सिस है, वो आपको ध्यान देना है कि लग्नेश से सप्तमेश, जैसे मैं बात कर रहा हूँ 6-8 का एक्सिस, इसका मतलब हुआ कि लग्नेश से सप्तमेश 8वें में गया और वहां से वो 6ठे में गया, सप्तमेश से लग्नेश 6ठे में गया, या वैसा वर्षा लग्नेश से सप्तमेश 6ठे में गया और सप्तमेश से लग्नेश 8वें में गया, तो वो 6-8 का एक्सिस आता है। तो अगर किसी कुंडली में लग्नेश व सप्तमेश का एक्सिस 2-12 का या 6-8 का आता है तो उसकी विवाह में प्रॉब्लम होती है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है हमेशा। तो एक बार कुंडली चेक करते वक्त ये भी नजर डालिए कि लग्नेश व सप्तमेश का एक्सिस कैसा है। उसके बाद D9 चार्ट देखना बहुत जरूरी है। D9 चार्ट में आपको देखना है कि जो लग्नेश है और सप्तमेश है उसकी स्थिति क्या है, लग्नेश व D9 चार्ट में किस भाव में गया है वो देखना जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि लग्नेश D9 चार्ट के अंदर 8वें भाव में चला गया हो, या 6ठे भाव में चला गया हो, या 12वें भाव में चला गया हो। लग्नेश आपका D1 कुंडली का लग्नेश, उसकी बात कर रहे हैं। और सप्तमेश की स्थिति भी D9 चार्ट में आपको देखने की बहुत आवश्यकता होती है कि वो कैसा आपकी पत्रिका में है। 7वें भाव का स्वामी आपकी पत्रिका में कैसा है, जो D1 में आपका 7th लॉर्ड होता है, वो नमांश पत्रिका में किस तरह से प्लेस्ड है, कहीं गलत भावों में तो नहीं, अशुभ भावों में तो नहीं, किन तरह के भावों में प्लेस्ड है, वो देखना बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि नमांश पत्रिका से आप विवाह देखते हैं तो ये देखना बहुत जरूरी होता है क्या नमांश पत्रिका के लग्न में जो राशि है, नमांश पत्रिका के लग्न में जो राशि है, कहीं वो D1 के 6, 8, 12वें भाव की राशि तो नहीं। आई रिपीट, कि नवांश पत्रिका के लग्न में जो राशि है कहीं वो D1 के 6, 8, 12 भावों की राशि तो नहीं। अगर ऐसा है तो विवाह में बहुत समस्या होती है। तो नवांश के अंदर जो आपको चेक करना है वो वही चेक करना है कि लग्न आपकी स्थिति क्या है, जो लग्न वहां पर है, राशि है, वो कौन से भाव की राशि है आपके D1 के, आपकी सप्तमेश की स्थिति वहां पर कैसी है। जब आपको वो सब ठीक लगे तो आप मान सकते हैं कि हाँ सब कुछ इसमें ठीक ठाक है। फिर जैसे हमने लग्नेश और सप्तमेश की स्थिति देखी थी जन्म कुंडली में कि 6-8 का एक्सिस है या 2-12 का एक्सिस है, ऐसे ही सेम लग्नेश और सप्तमेश का, यानी D1 के ही लग्नेश और सप्तमेश का आपको एक्सिस देखना है नवांश कुंडली में, क्या वहां तो प्रॉब्लम नहीं। अगर D1 कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश का एक्सिस 6-8 का है लेकिन नवांश पत्रिका में वो एक्सिस 5-9 का है, 4-10 का है, 3-11 का है, वो अच्छा एक्सिस है, तो उस केस में शादी में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर दोनों कुंडलियों में D1 के अंदर भी और D9 के अंदर भी लग्नेश और सप्तमेश का एक्सिस 2-12 और 6-8 का आता है तो समस्या हो सकती है, ये ध्यान रखिए, पत्रिका में शादी में बहुत समस्या हो सकती है, तो ये देखना बहुत जरूरी है। और इसमें आपको नमांश पत्रिका में चाहें तो आप जो जन पत्रिका का आपका लग्नेश है और कारक कौन सा हो गया, शुक्र हो गया आपका, उसका भी एक दूसरे से एक्सिस देख सकते हैं। मेन तो एक्सिस है कि लग्नेश और सप्तमेश का एक्सिस D1 में कैसा है, 6-8 या 2-12 का तो नहीं, और लग्नेश और सप्तमेश का एक्सिस, यानी D1 के ही लग्नेश और सप्तमेश का एक्सिस D9 में कैसा है, कहीं 2-12 या 6-8 का तो नहीं। अगर 2-12 या 6-8 का दोनों में होता है
तो प्रॉब्लम हो जाती है, शादी होने में बहुत दिक्कत होती है, शादी होने के चांस नेग्लिजिबल हो जाते हैं। और अगर एक में अच्छा है एक में थोड़ा बुरा है तो शादी तो हो जाती है लेकिन थोड़ा मुश्किलों से हो सकती है। तो इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट चार्ट पे हम लोग चलते हैं तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट कार्ड चार्ट पे आ जाते हैं। इसमें ये दिया हुआ है कि किसी भी, देखिए पहले आप ये समझ लीजिए कि वैवाहिक जीवन सुखी होने के लिए क्या कंडीशंस हैं, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स होने के लिए क्या कंडीशंस हैं, वैवाहिक जीवन में और तरह की जो दिक्कतें हैं समस्याएं हैं उनकी क्या कंडीशंस हैं। जब एक बार वो आप समझ जाएंगे तो जब हम कुंडली एनालिसिस पे जाएंगे, विवाह के कुंडली एनालिसिस पे, तो हमको आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या चीज इस कुंडली के अंदर देखनी है। तो मैंने शुरू में तो आपको बता दिया क्या क्या कुंडली में देखना है, वो आपको समझ में आया होगा। और इसके अलावा अब मैं नेक्स्ट आपको जो बताता हूँ वो ये बताता हूँ कि आपको ये देखना बहुत जरूरी है विवाह कुंडली के अंदर कि जो आपका सप्तम भाव है, सप्तम भाव में कौन सी राशि है, सप्तमेश में कौन सी राशि है। शायद इससे अगली वाली स्लाइड के अंदर मैंने उसमें आपको एग्जाम्पल में भी दिखाया हुआ है। यस, ये दिखाया है कि सप्तम, सप्तमेश एवं कारक, यानी सातवें भाव में, सातवें भाव का लॉर्ड जिस राशि में है और कारक जिस लॉर्ड में है वो सम राशि होनी चाहिए। तो सातवां भाव कौन सा है इस कुंडली में, ये वाला भाव है। तो सातवें भाव में बारह नंबर राशि है यानी ये भी सम राशि है। सप्तमेश कौन बना, सप्तमेश बना जुपिटर। जुपिटर किस राशि में बैठा है, वो भी छह नंबर राशि में है, ये भी सम राशि में है। कारक ग्रह कौन सा होता है, कारक बनता है शुक्र। शुक्र किस राशि में है, चार नंबर राशि में है, तो ये भी सम राशि में है। इसका मतलब अगर स्थिति ऐसी हो कि सप्तमेश भी और सप्तम भाव में भी और कारक भी तीनों सम राशि के अंतर्गत हो तो वैवाहिक जीवन बहुत सुखी होता है इंसान का, ये ध्यान आपको देखने वाली बात होती है। दूसरी इसके अंदर नियम ये है कि लग्न एवं चंद्रमा से पंचम एवं सप्तम भाव में शुभ ग्रह का प्रभाव हो। लग्न से पंचम तो संतान का ही भाव होता है और चंद्रमा से लग्न से सप्तम जो है विवाह का भाव हो गया। तो देखिए एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए संतान का भी बहुत होना रोल प्ले करता है। अगर संतान है, संतान होती है तो सुखी वैवाहिक जीवन भी आगे हो जाता है। कई बार समस्या वैवाहिक जीवन में कपल्स में ये रहती है कि संतान नहीं हो पा रही है तो आपस में उनके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो एक अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए जरूरी है कि इंसान के संतान हो। तो संतान अगर लग्न से चंद्रमा, लग्न से पंचम भाव अच्छा होगा तो संतान के चांस अच्छे होंगे होने के। लग्न से सप्तम भाव में शुक्र ग्रहों का प्रभाव होगा तो पत्नी अच्छी होगी। तो ये केस में आप अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत कर पाएंगे क्योंकि लग्न से भी देखते हैं और चंद्रमा से भी देखते हैं। तो सेम चीज को हम चंद्रमा से भी देखेंगे कि चंद्रमा से भी पंचम भाव में या सप्तम भाव में अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। लग्न में सप्तम स्थान में नवमेश, इसका क्या मतलब हुआ, देखिए लग्न से सप्तम स्थान में नवमेश यानी कि सप्तम स्थान में भाग्य भाव का स्वामी आ जाए। ये तो आप जानते ही हैं कि लग्नेश और भाग्येश ये दोनों ऐसे हैं कि जिस भाव में जाएंगे उस भाव की वृद्धि करेंगे और जिस ग्रह के साथ बैठेंगे उस ग्रह के भावों की भी वृद्धि करेंगे। अब अगर आपका भाग्येश, भाग्येश इस कुंडली में शुक्र बनता है, अगर शुक्र आपका सातवें भाव में आ जाए तो वो सातवें भाव की वृद्धि करेगा यानी कि उसके अंदर इंक्रीज करेगा रिजल्ट सोर्स से और तो वैवाहिक जीवन आपका सुखी होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि लग्न से सप्तम स्थान में नवमेश अगर आ जाए तो वैवाहिक जीवन भी सुखी होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनमें से एक नहीं, मतलब कोई भी पॉइंट्स इससे ऊपर देखते जा रहे हैं तो वो सब पॉइंट्स हैं, कोई ना कोई पॉइंट आपको जरूर मिलेगा उसके अंदर। दूसरी चीज ये कि द्वितीयेश सप्तमेश द्वादशेश यानी सेकंड भाव, सातवां भाव और बारहवां भाव के स्वामी केंद्र त्रिकोण में हो और गुरु से दृष्ट हो। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखिए एक अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीजें होती हैं, आप उसको जीवन प्रैक्टिकल लाइफ में देखिए कि आपके पास धन होना चाहिए तो विवाह जीवन आपका अच्छा रहता है। मतलब विपुल धन नहीं लेकिन एक ऐसा इतना धन तो हो कि आप आराम से गुजारा कर सके तो वो अच्छा रहता है। अच्छा आपका जो वैवाहिक जो पार्टनर है वो अच्छा होना चाहिए तो आपका विवाह अच्छा रहता है।
आपके और आपके पार्टनर के बीच जो आपके बैड कंफर्ट्स हैं वो आपका अच्छा होना चाहिए। तो 12वें भाव से हम बैड कंफर्ट्स देखते हैं, सप्तमेश भाव से हम पार्टनर को देखते हैं, अपनी वाइफ को देखते हैं या अपने हस्बैंड को देखते हैं, और सेकंड भाव से हम धन को देखते हैं। तो जब ये सब इनके लॉर्ड केंद्र या त्रिकोण में होंगे तो केंद्र त्रिकोण में होना तो अच्छा होता ही होता है, और खुदा ना खासा गुरु की दृष्टि अगर पड़ जाए, केंद्र त्रिकोण में ही होना बहुत होता है, लेकिन अगर गुरु की दृष्टि भी पड़ जाती है तो बहुत अच्छा हो जाता है, वो फिर बहुत अच्छा बन जाता है। क्योंकि द्वादशेष में गुरु की दृष्टि पड़ना आवश्यक इसलिए है क्योंकि द्वादशेष जब केंद्र में आएगा तो जिस भाव में छठे आठवें बारहवें भाव के स्वामी आते हैं उस भाव की वो हानि करते हैं। तो द्वादशेष जैसे ऊपर वाली कुंडली में सूर्य बनता है, अगर सूर्य आपका केंद्र में आ जाए, सपोज 9 नंबर राशि में वो आ जाए, तो वो केंद्र में चतुर्थ भाव की हानि करेगा। इसलिए कहा है कि द्वादशेष पे गुरु की दृष्टि हो, तो गुरु की दृष्टि हो तो वो हानि चौथे भाव की नहीं कर पाएगा। तो आपका बैड कंफर्ट्स भी अच्छे रहेंगे, आपका धन भाव भी अच्छा रहेगा, आपका सप्तम भाव भी अच्छा रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर नियम है, ये आपको ध्यान रखना है कि सप्तमेश लग्न पत्रिका में जहां स्थित हो, यानी सप्तमेश लग्न पत्रिका में जहां स्थित हो उससे दूसरे सातवें और ग्यारहवें स्थान में शुभ ग्रह होने चाहिए, वो आपका सप्तमेश लग्न पत्रिका में जहां स्थित हो उससे दूसरे सातवें एवं पांचवें स्थान में शुभ ग्रह होने चाहिए, उससे आप का वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया रहेगा। अगर लग्नेश से तो हमेशा सप्तमेश देखिए कि सप्तमेश कहाँ बैठा है, और उससे दूसरे सातवें और ग्यारहवें भावों में, उससे दूसरा भाव बेसिकली धन को शो करेगा, उससे सातवां भाव, सातवें से सातवां भाव जो होता है वो उसी भाव पार्टनर को शो करेगा, उससे ग्यारहवां भाव जो है वो शो करेगा लाभ को शो करेगा। तो इसलिए सप्तमेश जहां बैठा हो पत्रिका में उससे दूसरे भाव में, सातवें भाव में या ग्यारहवें भाव में अगर शुभ ग्रह हो तो उस भाव की बहुत वृद्धि होती है, वैवाहिक जीवन बहुत सुखी होता है। तो इस तरीके से आपने ये समझा, और तक मेरा अनुभव है कि आपको समझ में आया होगा। आगे हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी, कुंडलियां भी लेंगे इसके अंदर, उससे पहले तो अभी हम ये देखने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका लाइक, आपके सब्सक्राइब, आपका शेयर ही मेरा मोटिवेशन को बढ़ाता है। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री कृष्ण।